हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये ब्लॉग है 2 तारीख का और टाइम है शाम के 5 बजे का। तो 5 बजे मैं जा रही थी नन्नू की बुक्स और ड्रेस लेने। तो स्कूल खुल गए हैं 1 तारीख से, लेकिन मैंने भेजा नहीं था 1 तारीख को, क्योंकि उसके पास ड्रेस नहीं थी। छोटी हो गई है सब, क्योंकि 2 साल से स्कूल नहीं जा रहा, तो सब छोटी हो गई, तो वही लेने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ड्रेस लेकर आ गई नन्नू की, और ये ड्रेस है, ये वाली लेकर आई है। और 2 चलती हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली। तो ये वाली है वेनसडे और सैटरडे को चलती, वेनसडे और सैटरडे को पहनेंगे, और बाकी दिन ये वाली। तो ये ग्रीन वाली है, सेक्शन के हिसाब से चलती है, किसी सेक्शन इसमें ग्रीन है, बाकी के किसी में येलो, ब्लू और रेड, इस तरीके की हैं। टी शर्ट है और लोअर तो यही होती है, बस टी शर्ट बदल जाती है, लेकिन इसकी ग्रीन है तो ग्रीन चलेगी। उसके साथ में ये वाली सॉक्स, एक सॉक्स दिख रही होंगी वो रखे, और बाकी दिन ये पहनेंगे। तो ये ड्रेस हो गई है, और बेल्ट भी लानी पड़ी, क्योंकि वो वाली जो थी मिल नहीं रही है, मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, तो ये भी लानी पड़ी। और इसके बाद में ये कॉपियाँ हैं, रजिस्टर हैं, जो अभी कवर नहीं चढ़ाएंगे, जब स्कूल में मैम बताएंगे तब चढ़ाएंगे कवर, कैसे कलर के चढ़ाने हैं, इसलिए अभी नहीं चढ़ाएंगे। और इसके साथ में नेम स्लिप भी है, तो स्कूल के नाम की ही है ये। और ये बुक है, तो बुक में तो कवर पहले से ही चढ़े हैं, तो इसमें चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ही वाली पन्नी जो होती है ना, वो चढ़ के आती हैं ऐसे ही, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है, बस इसमें चढ़ानी है कवर, और नेम स्लिप लगा देंगे बस। और यहाँ पर सूज, ये तो मैंने शुक्रवार को ही ले लिए थे कल, क्योंकि आज शनिवार है, तो हम शनिवार को जूते चप्पल नहीं लेते हैं, तो इनका कल शाम को लेकर आए थे, बाकी ये सब अभी लेकर आए हैं। और फाइनली अब स्कूल खुल गए हैं, पूरे 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, तो थोड़ी दिक्कत बच्चों को तो आएगी आने जाने में अभी, और फिर आदत में आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं आ गई थी, शाम के बर्तन रखे थे तो वो धोने थे, चाय वगैरह के बर्तन रखे थे, और जो दोपहर के रखे थे उसमें टोकरी में, तो वो मैं स्टैंड में लगा दूँगी और बर्तन को धो लूँगी। और यहाँ पे मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने साबुत मसूर ली है, और मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, पहले बीन लिया है, और फिर उसके बाद धो लूँगी। और अब धो के फिर मैं कुकर में सीटी लगा दूँगी। और पहले से पता हो तो 1 घंटे पहले ही भिगो के रख दे, तो जल्दी बन जाती है, और मुझे नहीं पता थी पहले, फिर एकदम से मैंने सोचा कि चलो वो मसूर जो खड़ी मसूर है ना वो बना लें, साबुत मसूर, तो मैं इसमें सीटी ज़्यादा लगा लूँगी, कोई नहीं बन जाएगी, लेकिन अगर पहले से पता हो तो 1 घंटा पहले भिगो के रख दे तो कम सीटी लगानी पड़ती है, बस यही है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा सीटी लगा लूँगी, और मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है उसमें, और हल्दी और नमक डाल दिया है, और गैस पर रख दिया है बनने के लिए दाल। और यहाँ पे मैं तड़के के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन काट के रख लूँगी, और टमाटर, हरी मिर्ची, तो मैंने ये सब रख लिया है यहाँ पे, और मैं काट लूँगी सबको। तो मैंने चॉपर भी रख ली, तो चॉपर से जल्दी कट जाएगी, तो फिर thank you.
तो गैस को बंद कर दिया है मैंने। तो जब तक कुकर ठंडा होता है तो तब तक आटा गूंथ लेती हूँ, और आटा गूंथने के बाद फिर लगाऊंगी तड़का, क्योंकि तब तक कुकर ठंडा हो जाएगा। और आटा भी रख दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने कुकर खोल के देखा तो दाल बन गई थी, और क्योंकि मैंने सीटी ज़्यादा लगा दी थी तो दाल बन गई है सही। और अब मैं तड़का लगा लूँगी, तो मैंने यहाँ गैस पर जिसमें तड़का लगा रही हूँ वो रख दिया है पैन। तो पैन में मैं डाल दूँगी सरसों का तेल, क्योंकि मैं सरसों का तेल ही खाने में यूज करती हूँ, तो सरसों का तेल डाल दिया है। और गर्म हो गया तेल तो मैंने डाल दिया जीरा, और जीरा डालने के बाद लहसुन डाल दिया है, और लहसुन को थोड़ा सा भून लेंगे। और फिर उसके बाद हींग डाल दी है, हींग डालने के बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया है जो चॉप करके रखा था, और प्याज को भून लेंगे थोड़ा सा। और फिर उसके बाद डाल देंगे हरी मिर्च, और हरी मिर्च और प्याज को भून लेंगे। और हरी मिर्च और प्याज के भुनने के बाद भुन गई है तो अब डाल देंगे हम टमाटर, और टमाटर को भून लेंगे। और टमाटर भुन गए हैं तो मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर दूंगी, तो जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा गरम मसाला। और हल्दी पाउडर तो पहले ही डाल चुके थे तो हल्दी नहीं डालेंगे, धनिया और गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और भून लेंगे अच्छे से मसालों को। और अब मैं डाल दूंगी दाल, मसाले भून गए हैं तो यहाँ मैंने दाल डाल दी है। और दाल को थोड़ा सा हम ऐसे पकने देंगे, साइड से बबल आ रहे हैं बस, तो मैं बंद कर दूंगी गैस को अब। और धनिया डाल दी मैंने, हरी धनिया डाल दी, और धनिया को मिला लिया है, और इसके बाद गैस बंद कर दूंगी अब। और दाल बन चुकी है तो अब बना लेंगे हम रोटी।